हाय फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक जो हमने देखा वो था कलेक्शन इन सी शार्प। हमारा अगला टॉपिक है जेनरिक्स इन सी शार्प। हमें मदद करता है पर्टिकुलर क्लास के अंदर, मतलब क्लास लिखने में और पर्टिकुलर मेथड लिखने में, कि हम रन टाइम में टाइप को चेंज कर सके और उस रन टाइम में हम किसी भी वेरिएबल की टाइप या क्लास की टाइप को बदल के उसे कॉल कर सके। फाइन, मतलब हम एक ऐसा क्लास या मेथड बनाएंगे जो कि जब हम उसके साथ वर्क करेंगे तो हम किसी भी टाइप से उसके साथ वर्क करा सकते हैं, मतलब उसके साथ पर्टिकुलर वैल्यूज़ उस टाइप की स्टोर और फेच करा सकते हैं। आप साइड में लिख भी सकते हैं कि पर्टिकुलर जब पैरामीटर्स में जब वेरिएबल्स पास हो रहे हो तो उसकी उस रन टाइम में जब फंक्शन को कॉल करते हो तब उस जो वेरिएबल जो पैरामीटर्स है उसकी टाइप रन टाइम में चेंज कर सकते हो, कैसे हम देखेंगे। पर जब वो कंपाइलर जब रन करता है और पर्टिकुलर जब वो चेक करता है तब वो कंस्ट्रक्टर जो होता है उस क्लास का या पर्टिकुलर जो मेथड है उससे हम पर्टिकुलर जो डेटा टाइप्स हैंडल होती है, हम जानते हैं कि पर्टिकुलर जब क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है या तो पर्टिकुलर कोई मेथड को कॉल करता है। फाइन, तो जो उस टाइम पे कंपाइलर वो पर्टिकुलर जो डेटा टाइप है उसे चेंज कर देते हैं, उस स्पेसिफिक टाइप जो आप रन टाइम में करना चाहो वो कर सकते हो। फाइन, लेट्स सी द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को हम पर्टिकुलर आईडी में चेक करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। चलिए प्रोग्राम को सही तरीके से समझने के लिए, इस पर्टिकुलर जो जेनरिक्स है उसे समझने के लिए हम एक ऐसा क्लास बनाते हैं जो कि हम रन टाइम पे उसकी टाइप चेंज कर सके। तो हम लिखते हैं पब्लिक क्लास, एक नया नाम देते हैं माय जेनरिक एरे और पर्टिकुलर इस सिंबल्स में लिखे टी। अब ये जेनरिक टाइप है जो कि आप रन टाइम में उसे चेंज कर सकते हैं। फाइन, और इसको करने के लिए पहले आपका टाइप करने का सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। अब इसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर पहले उसको ले लेते हैं, प्राइवेट एक वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट वेरिएबल उसकी टी जो है पर्टिकुलर वो अभी डिफाइन नहीं हुई, उसकी टाइप होगी सी और ये एरे नाम का एक एरे क्रिएट करेंगे। फाइन, पर उसकी जो टाइप है वो अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे और रन टाइम उसे चेंज करें, इसलिए हर एक जगह पे वहाँ पे हम टी लिखेंगे। उसका मतलब ये है कि जब उसके प्रोग्राम रन होगा तब टी की जगह पे कोई भी टाइप हो सकती है। तो हमें जब रन करना है, जब इस क्लास को ऑब्जेक्ट करना है तब उसकी टाइप देनी है और जो टाइप देंगे उस टाइप का ये एरे और क्लास बन जाएगा। तो लेट्स सी होता है या नहीं। तो पहले उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस टाइम पे हम इस पर्टिकुलर जो क्लास है उसकी साइज डिफाइन करेंगे। तो इंटीजर एक साइज पास करेंगे, एस साइज जेड इज जेड, इट्स फाइन। अब इसके कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं एरे जो कि साइज है, एरे इज इक्वल टू न्यू, इनिशलाइज होगा। फाइन, और टी इंटू ब्रैकेट साइज साइज +1। फाइन, और इसके अंदर पब्लिक मेथड एक बनाते हैं उसे एक्सेस करने के लिए, उस वैल्यू को सेट करने के लिए, गेट आइटम इनटू ब्रैकेट इंटीजर इंडेक्स और अंदर लिखना है रिटर्न। जब गेट करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू रिटर्न करनी होती है एरे, और जो पास की होगी उस टाइम पे इंडेक्स वैल्यू उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। फाइन, अब एक और पब्लिक वॉइड सेट आइटम इनटू ब्रैकेट इंटीजर इंडेक्स भी पास करनी है वैल्यू, कॉमा टी टाइप का एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल। ओके, और यहाँ लिखते हैं एरे इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। फाइन, दैट्स इट डन। अब इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने के लिए हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी टाइम पे हम टाइप भी देंगे। तो ये रन टाइम हुआ, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं कोई भी, आई एन टी एरे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम आई एन टी, और उसी वक्त हम वैल्यू भी लेते हैं 5, जो कि पर्टिकुलर इस एरे की पर्टिकुलर जो हम साइज पास कर रहे हैं। अब देखें कि अगर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इससे इस क्लास को टी की जगह पे टाइप हो जाएगी इंटीजर, और चलो एक और बार फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी। फाइन, तो जहाँ जहाँ टी है उसकी टाइप हो जाएगी इंटीजर, जहाँ जहाँ टी होगा दूसरे पर स्ट्रिंग देंगे तो हो जाएगा
स्ट्रिंग फाइन। तो उसी तरह हमने कोड कर दिया है, ये देखिए पहले हमने पर्टिकुलर उस क्लास का टाइप दिया इंटीजर, वैल्यू दी 5, फिर उस जो पर्टिकुलर एरे को जिसकी साइज हुई है 5 उसको वैल्यूज असाइन करने के लिए हमने सी की वैल्यू जो कि 0 है पर्टिकुलर उसी में वैल्यू पास करेंगे, और पर्टिकुलर गेट आइटम से पहले वैल्यू सेट करेंगे सेट आइटम से, और फिर गेट आइटम से वैल्यू गेट करेंगे। तो फिर पर्टिकुलर इतना प्रिंट होने के बाद हम फिर से उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और तब टाइप देते हैं कैरेक्टर्स। मतलब अब जो 5 वैल्यू स्टोर होंगी वो इंटीजर नहीं होगी पर वो कैरेक्टर स्टोर होंगी। मतलब रन टाइम में आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वैल्यू स्टोर होंगी इंटीजर और फिर स्टोर होंगी कैरेक्टर्स। लेट्स सी द आउटपुट, और स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं। फाइन, अब उसको रन करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए F11, ये देखिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसकी साइज़ हमने जो दी थी 5 वो असाइन हो गई, मतलब जो एरे होगा उसकी साइज़ होगी क्या होगी 5+1 दैट इज 6, ओके। और जो टी है वो टाइप हो गई है इंटीजर। देन अब देखिए 0 to 5 कैसे लूप घूम रही है और सेट आइटम हो रहा है, तब सेट आइटम कॉल होगा, तब इंडेक्स की साइज़ पहले 0 थी तो यहाँ पे 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पास करनी है। मतलब जो 5 जो ब्लॉक्स बने जो एरे के 5 ब्लॉक्स बने वो ऑफकोर्स एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 5 है तो साइज मतलब जो वेरिएबल्स होंगे एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और एरे 4, तो हर एक वेरिएबल को वैल्यू सेट करानी है। तो पहले हम इंडेक्स पास कर रहे हैं और इंटू 5 करके उसकी वैल्यू, मतलब पहले 0 है तो उसकी होगी वैल्यू, अभी 0 है पर पहले इसी इंटू 5 0 इंटू 5 दैट इज़ 0 ऑफकोर्स, तो 0 पास हुई है तो 0 इंडेक्स में 0 पास होगा। तो लेट्स सी, जब देखिए 0 इंडेक्स में 0 पास हो गई वैल्यू। फाइन, फिर नेक्स्ट टाइम जब लोग घूम रहे हैं तब देखिए C++ होगा, अब फर्स्ट इंडेक्स में क्या पास होगा, ऑफ कोर्स जब इंडेक्स 1 है तो 1 × 5 दैट इज 5, तो 1 इंडेक्स में 5 स्टोर होगा। फिर सेकंड इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ के इंडेक्स 2, तो यहाँ पे वैल्यू 10 पास होगी, वो एक्चुअली पास हो गई है। अब थर्ड जैसे जैसे वैल्यू पास होगी, यहाँ पे देखिए 2 इंडेक्स है तो वैल्यू पास होगी 10, वैसे ही 3 तो 30, नहीं 3 5 से 15, इट गोज़ ऑन, ठीक है। तो सेट इंडेक्स सेट आइटम से हमने पर्टिकुलर फॉर लूप से वैल्यू को सेट करा दिया। अब लास्ट टाइम है, देखिए इंडेक्स 4 है तो वैल्यू होगी 20। फाइन, अब लास्ट 5 हो गया तो पर्टिकुलर लूप फॉल्स गिरी, तो अब बाहर आ गए। अब देखिए C=0, फिर से नेक्स्ट लूप, अब गेट आइटम से इसकी जो वैल्यूज़ है इंडेक्स बेस हम प्रिंट कराएंगे। देखिए अंदर जाते हैं, अब गेट आइटम कॉल होगा सीधा जम मार के, यहाँ इंडेक्स कौन सा है, पहले 0 है C की वैल्यू तो 0 इंडेक्स की वैल्यू, अब रिटर्न करनी है इस एरे में जो वैल्यू में सेट की वो, तो एरे अब 0 मतलब पहले एलिमेंट की वैल्यू हम फेच करेंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। फिर सेकंड टाइम सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड इट गोज़ ऑन। फाइन, और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिंट हुआ होगा 0 5 10 15 20, ओके। अब लास्ट वैल्यू पास हो चुकी है, अब लूप फॉल्स बाहर आ गए, प्रिंट करा गए। अब पूरा का पूरा क्लास की टाइप चेंज कर रहे हैं हम, बिकॉज पहले हमने टाइप दिया था इंटीजर, हम कर रहे हैं कैरेक्टर कर रहे हैं, तो पूरा कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा क्लास। फाइन, और उसमें हमने साइज़ भी वही दी है 5, मतलब अब जो कैरेक्टर्स हम, यही स्टेप्स होंगे प्रोसीजर, पर अब जो हम कैरेक्टर दे रहे हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो 0 इंडेक्स में हम वैल्यू दे रहे हैं वो 0+97 वो ASCII वैल्यू है स्मॉल ए की, और 98 स्मॉल बी की, और इट गोज़ ऑन 97 से स्मॉल ABCD स्टार्ट होती है ASCII वैल्यू। तो जो कैरेक्टर होंगे उसकी +97 होके जो जो कैरेक्टर्स होंगे वो वहाँ पे प्रिंट होते रहेंगे। फाइन, तो ये देखिए जो भी वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर होते होंगे वो हमें प्रिंट करानी भी है। तो नेक्स्ट वैल्यू जब फॉर लूप घूमेगी 1 by 1 जब स्टोर हो रहा है, तो उसके बाद जब ये लूप फॉल्स होगी तब उसके गेट आइटम से गेट भी करेंगे। अब ये देखिए गेट आइटम गेट हो रही है, अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज वहाँ पे सेट हुई थी या हुई है या नहीं हुई है। फाइन, लेट्स सी द आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या आता है। लास्ट टाइम लूप घूम रही है, देखिए कंडीशन फॉल्स राइट लाइन, अब रीड की, अब आपके सामने आउटपुट आएगा। ये देखिए पहली बार जब हमने लूप घुमाया और टाइप थी इंटीजर तो पर्टिकुलर उसमें आउटपुट आया 0, 5, 10, 15 एंड 20, और जब
कैरेक्टर कर दिया तब उसी एरे में इंटीजर्स के जगह पे स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स भी स्टोर हो गए, तो जहाँ पे जीरो स्टोर था वहाँ पे स्टोर हो गया ए, जहाँ फाइव था वहाँ बी, टेन था वहाँ सी, फिफ्टीन था वहाँ डी और ट्वेंटी था वहाँ ई, तो कैरेक्टर्स भी स्टोर हो गए बिकॉज ये रन टाइम में हमने उस क्लास की टाइप को चेंज कर दिया, एरे की टाइप को भी चेंज कर दिया। मतलब रन टाइम में अगर हमें पर्टिकुलर कोई क्लास की या पर्टिकुलर कोई मेथड की या वेरिएबल की ऐसी टाइप चेंज करनी हो तो जेनरिक से पॉसिबल है। सो जैसा हमने देखा पर्टिकुलर ये ज़रूरत, इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि पर्टिकुलर एक कोर जो होता है वो पर्टिकुलर उसका मैक्सिमम यूज़ होता है, उसका रीयूज़ होता है, टाइप सेफ्टी भी होती है और परफॉर्मेंस भी बेटर रहता है कि हर बार वो पर्टिकुलर टाइप का चेंज करना है या पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस कोड बढ़ जाती है तो वो सब यहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए हमें पर्टिकुलर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक को यूजिंग कीवर्ड से इनहेरिट इनपुट करना पड़ता है जैसे हमने देखा प्रोग्राम में। फिर हम चाहे तो हम जेनरिक इंटरफेस क्लास या मेथड्स इवेंट्स और डेलीगेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि जो पर्टिकुलर क्लास है इंटरफेस है उसे हर तरीके से आप रन टाइम में कोई भी टाइप चेंज करा सकते हो, मेथड्स की भी, इवेंट्स की भी और डेलीगेट्स की भी। इससे ये भी बेनिफिट है कि पर्टिकुलर जो क्लास है आप जिस टाइप के पर्टिकुलर मेथड्स को करना चाहोगे एक्सेस उसी टैब से एक्चुअली एक्सेस होगी। आप पहले बोलोगे इंटीजर तो पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर वेरिएबल हो जाएंगे, इंटीजर कैरेक्टर तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग, रन टाइम में आप चाहो इतनी बार चेंज करा सकते हो उनकी टाइप। और पर्टिकुलर वो जो आपने जो चेंज किया वो पर्टिकुलर चेंज हुआ या नहीं अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमने पहले भी देखा कि एक रिफ्लेक्शन नाम का क्लास है सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन, उसके अंदर जो क्लास ऑब्जेक्ट्स है उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर टाइप जो चेंज हुआ या नहीं, आपने जो चेंज किया वो टाइप की इन्फॉर्मेशन सभी आप रन टाइम में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास। सो अब तक हमने देखा जेनरिक्स क्या है, जेनरिक्स उसके पर्टिकुलर जेनरिक मेथड्स और जेनरिक डेलीगेट्स भी आप देख सकते हो, उसको क्लास मेथड्स सबको आप जेनरिक बना सकते हो। जेनरिक मतलब रन टाइम में आप चाहो उसे उस पर्टिकुलर उस क्लास मेथड या डेलीगेट्स किसी भी की आप टाइप चेंज कर सकते हो रन टाइम में। सो अब तक ये था जेनरिक्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनोनिमस मेथड इन सी शार्प।